अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है बेटा आपके। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लंग्स, ठीक है, फेफड़े। ऑल द एल्वोलाइज ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। वो कहते हैं कि एक तरफ को, जैसे आपके एक तरफ बन जाए, मैं एक रफ सी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इस तरफ को जैसे मैंने कल बताया था कि दो ब्रोनोकाइज निकल आती हैं, ठीक है, और हर ब्रोनोकाई पे एक लंग यानी फेफड़ा सा बन जाता है। मैं इस तरह फ़िलहाल बना देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए इसकी। अब ये जो बेटा बेसिकली लंग बना होता है ना, ये आगे सारी ब्रोनोक्यूल्स फैली होती हैं इसके अंदर, ये हमने कल पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि हर ब्रोनोक्यूल एल्वोलर डक्ट और फिर एल्वोलर डक्ट के आगे इस तरह हवा की छोटी छोटी थैलियाँ एल्वोलाइज बनी होती हैं। बेसिकली जो आपका लंग है ना, वो इन्हीं छोटी छोटी थैलियों से मिलके बना होता है, और ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये जो एक थैली है जिसको एल्वोलाई कहते हैं, बेसिकली ये देखो एक गुब्बारे की शक्ल की है, और ये एक्सपेंड भी होती है। जब इसमें हवा जाती है तो ये मोटी हो जाती है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ऐसे, तो ये एक ख़ास पोजीशन से अपने आप को बढ़ा भी सकती है। तो उस लिहाज से जो लंग है, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो एल्वोलाइज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। द एल्वोलाई ऑन द वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। देर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन अ थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी होती है बेटा, जो आपके ये कंधे और नीचे आती है, जिसको आप चलो सीना कह लो फिलहाल, सीना और इसकी बैक जो पसलियों का एक डायफ्राम होता है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। जो आपकी चेस्ट होती है, इसके दरमियान में एक हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट के दरमियान में एक स्टर्नम होती है, ये आपको ऊपर से यूं दिखाई देती है थोड़ी सी, स्टर्नम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये स्टर्नम आपकी चेस्ट के मिड में कुछ इस तरह से करके ऐसे नीचे चली जाती है थोड़ी यूं, और इस स्टर्नम के साथ आपकी रिब्स जुड़ी होती हैं ऐसे, दोनों तरफ को यूं जा रही होती हैं रिब्स, सामने सीने से बात कर रहा हूँ, चेस्ट से। और ये घूम कर, यानी आगे से ये घूम कर, जैसे मैं आपको थोड़ा सा अपने आप को दिखा दूँ, तो ये यहाँ से घूम कर ये पीछे को चली जाती हैं, ठीक है। तो आपकी पसलियाँ, आप फील कर सकते हो कि आपकी जो पसलियाँ होती हैं वो चेस्ट की हड्डी जो सामने स्टर्नम होती है, यहाँ से निकलकर घूमकर तो पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर जाकर पेवस्त हो रही होती हैं, जिससे ये एक गुंबद बना देती हैं दोनों इतराफ, एक गोल सा स्ट्रक्चर बना देती हैं दोनों इतराफ। उस गोल से स्ट्रक्चर को डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। और जो रिब्स की हड्डियाँ होती हैं, आप अपनी चेस्ट के ऊपर से साइड से फील कर सकते हो कि हर हड्डी के दरमियान में एक नरम सा गैप है, वो गैप बेसिकली इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। ये वही मसल्स हैं बेटा जिससे आपकी पसलियों का जो ये डायाफ्राम है, जो स्ट्रक्चर है, ये अंदर और बाहर की तरफ होता है। जैसे आप सांस भरते हो तो फेफड़े फूल जाते हैं, तो आपका डायाफ्राम जो है वो भी साथ उसके फैलता है, सांस छोड़ते हो तो डायाफ्राम भी अंदर जाता है, ठीक है। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स आपके डायफ्राम को हिलाते हैं। तो मैं आगे पढ़ता हूँ जी, रिब्स एंड द रिब मसल्स कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स, अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम प्रेजेंट बिलो द लंग्स, ठीक है जी। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ टू लूप्स। लूप का मतलब होता है बेटा, जो आपका लेफ्ट वाला लंग होता है ना, जो फेफड़ा होता है, जैसे मैं ये एक बनाता हूँ, ये फेफड़ा है, ठीक है, तो वो दो दो लूप्स का बना होता है। मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, अगर बेहतर तौर पे नज़र आ जाए, नहीं वो यहाँ पर नहीं आएगा बेटा, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे,
ये गुड, ये देखिएगा, देखें अगर आप गौर करें तो ये जो फेफड़ा है ये कंप्लीट है, लेकिन इस फेफड़े में दो पार्ट्स हैं, एक ये और एक इसके नीचे। तो इसको कहते हैं कि जो बायां फेफड़ा है ये दो लूप्स पर मुश्तमिल होता है और दायां फेफड़ा एक ही लूप पर मुश्तमिल होता है। ठीक है बेटा, तो जी तो वो कहता है जी कि बाएं फेफड़े के दो लूप्स होते हैं, उसके अलावा वो बताएगा कि दे आर स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। बिल्कुल, क्योंकि एल्वोलाइज के ज़रिए से ये ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो एल्वोलाइज गुब्बारे की तरह स्पंजी भी होती है और इलास्टिक भी होती है। द लंग्स ऑल्सो हैव ब्लड वेसल्स। जी बिल्कुल, कल आपने पढ़ा था एल्वोलाइज के ऊपर ब्लड की वेसल्स होती हैं, जिसको आपने ये देखें, ये मैंने कल बताया था एल्वोलाइज के बाहर ब्लड की वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो ये वेसल्स भी होती हैं इसमें, लंग्स के अंदर ब्लड भी होता है। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं जी? द लंग्स हैव ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांचेस ऑफ द पल्मनरी आर्टरीज एंड वेन्स। इसके अंदर पल्मनरी आर्टरीज और वेन्स होती हैं। ईच लंग इज इनक्लोज बाय टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। देखिए ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि आपका कोई भी ऑर्गन है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन को भी बाहर से एक झिल्ली ने घेरा हुआ है, वो सिक्योर भी करती है झिल्ली। ठीक है, हार्ट है, हार्ट के बाहर भी एक झिल्ली होती है, इसी तरह लंग्स के बाहर भी झिल्ली होती है जिसको प्ल्यूरल, आउटर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन और इनर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दो झिल्लियाँ होती हैं आपके फेफड़ों के ऊपर। ठीक है जी, द मेम्ब्रेन इनक्लोज अ फ्लूइड विच प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स। ये जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे दिमाग के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसको मैं भूल गया हूँ, आई थिंक क्या कहते थे, मैनिजिस। ठीक है, और इसी तरह हार्ट के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। लंग्स के बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर और आउटर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। बेसिकली इन मेम्ब्रेन्स का काम होता है कि ये आपके ऑर्गन को और आपके ढांचे को आपस में मस नहीं होने देती, टकराने नहीं देती, यानी इसमें लुब्रिकेशन पैदा करती हैं, मुलायमत पैदा करती हैं, ताकि ये चीज़ें आपस में टकराएं ना। ठीक है बेटा, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल अगला लेक्चर